हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। आज बात करेंगे गाइस किडनी के बारे में। किडनी फेल होने के सिम्टम्स क्या होते हैं और वजह क्या होती है जिसकी वजह से किडनी फेल होने के चांस रहते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं गाइस। किडनी इंसान की बॉडी में इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से एक है, जो कि ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव करती है। गाइस किडनी इंसान की बॉडी में पसली के जस्ट नीचे बैक साइड में होती है। गाइस किसी वजह से किडनी काम करना बंद कर देती है तो इंसान की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्लस केमिकल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम बॉडी में स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसान बीमार महसूस करने लगता। और अभी 15 तारीख में स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहलाने वाले मिस्टर झुंझुनवाला की डेथ हुई है। कारण किडनी फेल होने की वजह बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि पिछले काफ़ी टाइम से वो डायलिसिस पर चल रहे थे। अचानक उनकी 14 तारीख में तबीयत बिगड़ी तो सुबह को लेके गए उनको मुंबई एक हॉस्पिटल में। वहाँ 6:45 पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो जानते हैं गाइस किडनी फेल होने की वजह क्या क्या हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिसीज़ या फिर ब्लड प्रेशर का हाई रहना, अनकंट्रोल रहना, लंबे समय से रहना, और लीवर डिसीज़ पुरानी लीवर डिसीज़ हो जाना, या फिर डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहना गाइस, या फिर बाहर की ओर से किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से किडनी में इंजरी हो जाना, उसकी वजह से भी किडनी फेल होने के चांस रहते हैं। मेडिसिन मार्केट में पेन किलर वगैरह आती हैं, लोग ओवरडोज खा लेते हैं, कई बार लंबे समय तक चलती रहती हैं पेन किलर, तो उसमें भी किडनी फेल होने के चांस रहते हैं। ऑटो इम्यून किडनी डिसीज में भी किडनी फेल होने के चांस रहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लंबे समय से रह रहा हो या फिर बार बार होने की वजह से किडनी फेल होने के चांस रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में। हालांकि हर मरीज में उसकी कंडीशन अनुसार सिम्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फटिग, अधिक थकान होना, या फिर पूरी बॉडी पर सूजन आना, आँखों के नीचे सूजन आना, हाथों पर सूजन आना, प्लस पैरों के गट्टों पर सूजन आना, या फिर पूरी बॉडी पर खुश्की के साथ में खुजली लगना, खाना खाते वक्त मेटलिक टेस्ट आना, पेट में दर्द, पेट में अपच और वॉमिटिंग की शिकायत होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं इसके टेस्ट के, डायग्नोस के बारे में। टेस्ट जैसे कि यूरिन टेस्ट भी कराया जा सकता है, एक KFT टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, वो भी कराया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड की भी सलाह दे सकता है डॉक्टर, या फिर बायोप्सी की भी सलाह दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। धन्यवाद।